उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की तैयारी तेज। 11 दिसंबर को आएंगे उत्तराखंड अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम कर सकते हैं बड़ी घोषणा। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगा शीतकालीन सत्र। 9 और 10 दिसंबर को होगा शीतकालीन सत्र। विधायकों को आरटीपीसीआर टेस्ट से मिलेगी विधानसभा में एंट्री। मसूर में पर्यटन मंत्री ने किया जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण। यहां रहे थे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताने वाले खुद। बहुत स्वागत आप सभी का, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बेटर की शुरुआत करते हैं, तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी का एक और दौरा होना है। लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। हल्द्वानी पहुंचेंगे 24 दिसंबर को, बड़ी जानकारी मिल रही है। 24 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी हल्द्वानी जाएंगे। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से इस दौरान। वहीं पीएम दौरे को लेकर उत्तराखंड बीजेपी की तैयारी भी तेज हो गई है। उत्तराखंड वासियों को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। लगातार उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। वहीं दूसरी ओर 2025 तक प्रदेश को युवा प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उसके तहत पीएम नरेंद्र मोदी देश में उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसके तहत लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। सीएम धामी पूरे कार्यक्रम की निगरानी रख रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र भी देंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद अब नजदीक आ चुके हैं। तो 24 दिसंबर की तारीख जब पीएम नरेंद्र मोदी हल्द्वानी जाएंगे, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इससे पहले जब गए थे उस दौरान भी हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया था। एक बार फिर पहुंच रहे हैं, हल्द्वानी में शिलान्यास किया जाएगा। हजार करोड़ के प्रोजेक्ट का सौगात दी जाएगी हल्द्वानी वासियों को। तो विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है एक बार फिर से सत्ता में वापस आने की, बेहतर प्रदर्शन करने की पिछले चुनाव के मुकाबले। इसके तहत केंद्र नेतृत्व लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं बीजेपी के। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। सीएम धामी लगातार एक्टिव मोड में है। कम कार्यकाल में तमाम सौगात दी जा रही है उत्तराखंड वासियों को। तो 2022 में विधानसभा के चुनाव को देखते हुए पूरी रणनीति बनाई जा रही है। 24 दिसंबर को एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी हल्द्वानी पहुंचेंगे और इसके लिए जनता को हल्द्वानी आने का आमंत्रण भी दिया गया है। हल्द्वानी में पीएम नरेंद्र मोदी की ये पहली सभा होगी, जानकारी आपको दे दें। तो 2022 को देखते हुए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, सीधा रुख करेंगे। धनराज, पीएम नरेंद्र मोदी का एक और दौरा होना है, 24 दिसंबर को हल्द्वानी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं इसके लिए? जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी दोबारा से सत्ता हासिल करने के लिए अपनी कमर कस चुकी है। तमाम जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेता है वो लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में आपने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे और राजधानी देहरादून में वो गरजे थे और कहीं ना कहीं जो करोड़ों की योजनाएं थी उनका शिलान्यास ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। लेकिन एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि 24 दिसंबर को वो हल्द्वानी में होंगे और तमाम जो योजनाएं हैं, काफी हजारों करोड़ों रुपए की योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। यानी कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तमाम तरह की तैयारियां हल्द्वानी में की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पर नजर बना रहे हैं, तमाम जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिख सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक है तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से जुट चुकी है। यदि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार तैयारी में जुट चुका है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार जो राष्ट्रीय नेता है, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हो या कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता हो, लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि 16 दिसंबर को राहुल गांधी भी उत्तराखंड में होंगे। तो कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी में होंगे और केजरीवाल भी 11 दिसंबर को उत्तराखंड में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो चुनावी बिगुल है वो अब उत्तराखंड से।
की हजारों करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा। दोबारे एक बार फिर उस तरह कह रहा है कि इतने भी हजारों करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास वो यहाँ पर करेंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आदर्श उत्तराखंड बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है, तो कहीं ना कहीं उसकी ओर जरूर उत्तराखंड बढ़ रहा है। और क्योंकि तमाम योजनाएं जो होंगी वो कहीं ना कहीं जनता के हित में ही योजनाएं होंगी। और साफ तौर पर जिस तरीके से ऑल वेदर रोड की बात करें या फिर दिल्ली देहरादून की बात करें कि दिल्ली देहरादून का जो सफर था वो कहीं ना कहीं 6 घंटे का सफर हुआ करता था, लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना का शुभारंभ किया है कि अब वो समय सिर्फ 2.5 घंटे का रह जाएगा, तो इसको देखते हुए लगता है कि अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड आदर्श उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहा है। जी शंकर, चलिए धनराज बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। आगे रुख करते हैं, उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले तमाम राजनीतिक दल पूरी कोशिश में जुटी हुई है। और इसी बीच उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की तैयारियां भी तेज हो गई है। बड़ी जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर 11 दिसंबर को उत्तराखंड आएंगे और इस दौरान दिल्ली के सीएम बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड के काशीपुर में अरविंद केजरीवाल इस बार जाएंगे, दौरा होगा उत्तराखंड में, ये 5वां दौरा होगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 11 दिसंबर को उत्तराखंड के काशीपुर आएंगे, जनसभा को संबोधित किया जाएगा और बड़ी घोषणा इस दौरान कर सकते हैं। इससे पहले जब उत्तराखंड पहुंचे थे तो तीर्थ यात्रा को लेकर के उनकी तरफ से घोषणा की गई थी, महिलाओं को लेकर के लगातार की जा रही है, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में लगातार घोषणा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है 2022 में तो दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। और एक बार फिर काशीपुर पहुंच रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए हैं, उनकी एक विशाल जनसभा होनी है। इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि 11 दिसंबर का वो दिन जब अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी होगी, जनसभा को संबोधित किया जाएगा और 2022 के लिए प्रचार प्रसार को तेज करने का काम चल रहा है। लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। विशाखा चौधरी मेरे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, एक बार फिर अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड का रुख करने जा रहे हैं, क्या कुछ खास इस बार रहने वाला है, क्योंकि पूरी तरीके से नजर बनाए रखी है उन्होंने उत्तराखंड पे। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का यह लगभग 4वां दौरा है चुनावी रणनीति के तहत और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव से पहले, तो जाहिर तौर पर फिलहाल इस दौरे से कई जो घोषणाएं हैं वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा की जा सकती है। और देखिए दिल्ली की तर्ज पर जो योजनाएं हैं घोषणाएं हैं उनको लगातार अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट करने के जो दावे वो कर रहे हैं। अब यह समय बताएगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से या कर्नल अजय कोटियाल की तरफ से जो दावे वादे किए जा रहे हैं उसका असर विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ता है। अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल के इस दौरे की तो जाहिर तौर पर बड़ी घोषणाएं हो सकती है, क्योंकि देखिए जिस तरह से विपक्षी पार्टी की अगर हम बात करें तो लगातार फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के दौरे उत्तराखंड में जारी है और फिलहाल आम आदमी पार्टी की विपक्षी पार्टी जो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस 16 दिसंबर को राहुल गांधी उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की यह कोशिश रहेगी कि कांग्रेस की एक बड़ी रैली से पहले उत्तराखंड में जो काशीपुर में अरविंद केजरीवाल का यह दौरा है उससे काफी हद तक कांग्रेस को भी जो आप समझिए कि निशाना उस पर साधा जाए और भारतीय जनता पार्टी पर भी जो तमाम आरोप प्रत्यारोप के जो दौर फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं उसको भी जाहिर तौर पर साधा जाए, तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल वही घोषणाएं वही वादे कर सकते हैं उत्तराखंड की जनता से जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए और उन वादों का जाहिर तौर पर एक विपक्षी पार्टी होने के नाते उनके संबोधन में जिक्र भी होगा और जवाब भी दिया जाएगा। कितना प्रभाव विशाखा छोड़ पाएंगे, क्योंकि नए खिलाड़ी हैं और कहा जा रहा है कि विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं काशीपुर में। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए आम आदमी पार्टी लगातार अपनी सियासी जमीन है वो तैयार करने की कोशिश कर रही है उत्तराखंड के अंदर और विधानसभा चुनाव से पहले जाहिर तौर पर एक चीज से विकल्प के तौर पर जनता को आम आदमी पार्टी खड़ी हुई जरूर नजर आती है। ये जो हम कह सकते हैं कि तमाम कोशिशें अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो हुई है पिछले कुछ दिनों में या फिर कहिए कि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से हुई है ये उन कोशिशों का नतीजा जरूर नजर आता है और जाहिर तौर पर एक चीज से राजनीतिक दल के तौर पर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी खड़ी हुई नजर आती है।
लेकिन एक संगठन की कमी है आम आदमी पार्टी के पास। तमाम हर जिले में, हर विधानसभा में और उत्तराखंड के में जिस तरह से एक टीम या एक संगठन के तौर पर किसी राजनीतिक दल को खड़ा होना चाहिए चुनाव से पहले, वो एक कमी नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी पार्टी की जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में हम कह सकते हैं कि लगातार बढ़ रही है। चलिए विशाखा, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुख करते हैं उत्तराखंड से, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में जल्द ही शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 9 और 10 दिसंबर को शीतकालीन का सत्र होना है उत्तराखंड में। विधायकों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना जरूरी है कहा गया है, उसके बाद ही विधानसभा में एंट्री मिलेगी। और इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। कई इससे पहले कैबिनेट की मीटिंग भी की गई उत्तराखंड में, उसमें तमाम मुद्दों को रखा गया, 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी। और अब विधानसभा सत्र, शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेंद्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे धीरेंद्र का। धीरेंद्र, उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें भी तमाम प्रस्तावों को रखा गया, मुहर लगी और अब विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण होगा? पहले एक तरह से क्योंकि दिसंबर माह के समाप्त होते ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, राज्य में आचार संहिता प्रभावित हो जाएगी। तो इस तरह से देखें, इस दो दिवसीय सत्र में यानी 9 और 10 दिसंबर को जो शीत सत्र हो रहा है, काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सरकार को इसमें अपने जो एक तरह से अनुपूरक बजट होता है उसको भी पास कराना होगा। इसके साथ साथ ऐसे कई सारे विधेयक सरकार के पास है जिनका नई सरकार के गठन से पहले पूरा पास कराने का सदन से पूरा प्रयास रहेगा सरकार का, क्योंकि सोनिका ये पता है कि आने वाली सरकार किसकी होगी किसकी नहीं होगी यह अभी नहीं पता है। तो जो पार्टी सत्ता में है उसकी पूरी कोशिश रहती है कि इस अंतिम सत्र में तमाम जो महत्वपूर्ण विधेयक है उनको पारित करा लिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से कल जब हमारी संवाददाता ने बात किया तो उन्होंने कहा कि लगभग 250 प्रश्न विधानसभा को मिले हैं अलग अलग विधायकों की तरफ से, जो सदन के पटल पे रखे जाएंगे और उनका जवाब सदन के पटल पे देना होगा सत्ता पक्ष के लोगों को। इसके साथ ही कोरोना काल की काली छाया में और ओमिक्रॉन जो नया एक खतरनाक वायरस जो नया आ रहा है उसकी काली छाया में ये सत्र होने जा रहा है, तो कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर के भी विधानसभा प्रशासन काफी सख्ती बरत रहा है और सभी विधायकों को भले उनका डबल डोज वैक्सीनेशन हो चुका हो फिर भी उनको आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य रूप से सदन के अंदर प्रवेश करने के लिए दिखानी होगी। इसके साथ ही साथ एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था भी विधानसभा के प्रवेश द्वार पे विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि वो की गई है और पहली बार दर्शक दीर्घा और पत्रकार दीर्घा को भी खोला जा रहा है। हालांकि इसमें लोगों को बैठाने की जो प्रक्रिया है वह क्रमिक होगी उनका। तो इस तरह से देखें विधानसभा सत्र काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है इस बात को लेकर के। और देखने वाली बात ये होगी कि जो जिस तरह से सत्ता पक्ष अपनी सारी तैयारियां किए हुए उसी तरह से विपक्ष भी सारी तैयारियां किए हुए, क्योंकि उसको अपनी ताकत दिखाने का यह अंतिम मौका है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का। लेकिन देवस्थान बोर्ड का अगर जिक्र करें तो देवस्थान बोर्ड के मुद्दे पर देखा गया किस तरीके से लगातार सियासत हुई, हालांकि उस पर अब फैसला ले लिया गया है, तो क्या विपक्ष की तरफ से हंगामे देखे जाएंगे शीतकालीन सत्र में या सरकार क्या तैयारी इसके लिए कर रही है? बिल्कुल सोनिका, मैं आपको यही बता रहा हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपना अपना जोर, एक तरफ से जहां सत्ता पक्ष सदन के पटल पे दिखाएगा कि तमाम जो विधेयक है वो पास करा ले अपने बहुमत के आधार पे और जो विपक्ष के सवाल है उनका कायदे से जवाब दे सके, ऐसा जवाब दे सके, क्योंकि सदन का जब विधानसभा का सत्र होता है तो उसमें प्रदेश की सारी मीडिया वहां होती है और उसके माध्यम से एक बड़ा संदेश आम जनता में जाता है। तो इसको देखते हुए सत्ता पक्ष ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है और विपक्ष ने भी पूरी तैयारी की हुई है सत्ता पक्ष को घेरने की। लेकिन सदन के बाहर भी एक जबरदस्त संघर्ष देखने को मिलेगा, यानी विधानसभा की सड़कों के ऊपर, क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल हैं जिनके सदस्य नहीं है विधानसभा में, जिनकी सीटें नहीं है विधानसभा में, वो सड़क पर ही अपना संघर्ष करती है, दिखाती सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करती है। तो इस तरह से जो स्थानीय दल है, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल की बात करें या अन्य बहुत सारे आम आदमी पार्टी की बात करें, इस तरह के जो राजनीतिक दल है जिनका प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं है, वो सदन के पटल पे नहीं रिप्रेजेंटेशन उनका है, तो सड़क पर अपनी ताकत दिखाते हैं, सड़क पर जनता के मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। तो यह चीजें
यह प्रदर्शन कल उत्तराखंड विधानसभा परिसर के आसपास की सड़कों पे दिखाई देगा। हालांकि पुलिस प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्था की है, तमाम बैरिकेडिंग विधानसभा के पहले जिस तरह से लगाई जाती सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के वो मुकम्मल की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके कल एक बड़ा सत्ता संघर्ष और संग्राम वहाँ देखने को मिल सकता है सोनिका। चलिए धीरेन्द्र, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुख करते हैं, भारतीय सैन्य अकादमी में 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली पासिंग आउट परेड से पहले आयोजित डिप्टी कमांडेंट परेड में कैंडेटों ने शानदार कदम ताल किया। इस दौरान कैडेट पूरे जज्बे और जोश में दिखे। डिप्टी कमांडेंट और मुख्य प्रशिक्षक मेजर जनरल आलोक जोशी ने पासिंग बैच के कैंडेटों से सलामी लेकर उन्हें अग्रिम बधाई दी। कैडेटों को दो दिन बाद कमांडेंट परेड की अग्नि परीक्षा भी पास करनी होगी। तो भारतीय सैन्य अकादमी में 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली पासिंग आउट परेड से पहले डिप्टी कमांडेंट में कैडेटों ने शानदार कदम ताल किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस दौरान जितने भी कैंडिडेट थे वो पूरे जज्बे के साथ नजर आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में हिमवंत कवि चंद्र कुंवर वर्तवाल खादी ग्रामोद्योग और पर्यटन शरदोत्सव मेले का शुभारंभ किया। यह मेला 5 दिन तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान चारधाम देवस्थानम बोर्ड भंग होने पर बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने शंख ध्वनि के साथ मुख्यमंत्री को बद्रीनाथ धाम की धर्म ध्वजा भेंट की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पोखरी मेले को राजकीय मेला घोषित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पहाड़ों में उद्योग स्थापित करने पर सरकार जोर दे रही है, कुटीर उद्योग लगाए जा रहे हैं। अभिभूत हूं कि जितना रास्ते रास्ते पर आप लोगों ने मेरा स्वागत किया है, मैं भी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर आप सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत सारी योजनाएं यहां पर आपके विधायक रहते हुए यहां पर चालू हुई हैं। आज के दिन भी यहां पर 3787 लाख रुपए का, यानी कि 37 करोड़ रुपए का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जिसमें 3,67,00,000 रुपए का लोकार्पण हुआ है, 34,20,00,000 की योजनाओं का यहां पर शिलान्यास हुआ है। और काला आगर जो पंपिंग योजना है, ये योजना आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है, जिससे 23,70,00,000 की योजना है, जिसमें 9 ग्राम पंचायतें, 9 राजस्व गांव, 84 बस्तियों के 1,185 परिवारों को शुद्ध जल मिलेगा। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं 4 जुलाई 2021 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के आशीर्वाद से और राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से, मेरे जैसे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सैनिक के बेटे को मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। मैं उनका आपकी सबकी तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके बीच का हूं और पिछले 5 महीनों का कालखंड मेरा पूरा हुआ। 5 महीने के कालखंड में मैंने कोशिश की है कि मैं उत्तराखंड के सुदूरवर्ती सारे इलाकों में जाऊं और 5 महीने में हमने आगे रुकते हैं। राकेश टिकैत जसपुर मार्ग स्थित एक रिजॉर्ट में चल रहे शादी समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार के कृषि कानून वापस लेने की बात उन्हें मीडिया से पता चली है। और राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तराखंड के हजारों किसानों पर दर्ज झूठे मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे, किसान बॉर्डर से नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को MSP पर कानून, शहीद किसानों को मुआवजा, टेनी पर कार्रवाई सहित किसानों की अन्य मांगे माननी होंगी। सरकार को टेबल पर बैठकर किसानों से बातचीत करनी होगी। तो राकेश टिकैत की तरफ से साफ कहा गया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। संजय शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, सीधा रुख करेंगे संजय। राकेश टिकैत जो लगातार ये कह रहे हैं कि आंदोलन को अभी खत्म नहीं किया जाएगा,
मीडिया से रूबरू हुए हैं और उनकी तरफ से एक बार फिर वही कहा गया है। राकेश टिकैत की तो उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और अगर बात करें उधम सिंह नगर क्षेत्र की, वहाँ पर किसानों की तादाद ज्यादा है, किसानी क्षेत्र वहाँ पर है, तो किसानों की तादाद और किसान आंदोलन में गए हुए किसान भी वहाँ से गए थे, तो कहीं ना कहीं देखिए राकेश टिकैत का वहाँ पर एक शादी समारोह में पहुँचना लाजमी है और कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान जो राकेश टिकैत भी है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में जो किसानों के ऊपर मुकदमे हुए या पूरे प्रदेश किसानों के ऊपर मुकदमे में वापस किया जाए, ये सब बयान लगातार राकेश टिकैत उत्तराखंड के अंदर क्या सारे मीडिया में देश भर के अंदर देते हुए नजर आए और साथ के साथ उत्तराखंड में राकेश टिकैत जब आए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुख करते हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आज 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी गुरु पर्व है और इस मौके पर शहीदी गुरु पर्व पर आनंदपुर साहिब में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, विरासत ए खालसा में कार्यक्रम मनाया जाएगा शहीदी गुरु पर्व का। सुबह 11:30 बजे आनंदपुर साहिब पहुंचेंगे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। आज पातशाही 9वीं गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी गुरु पर्व है, इस मौके पर पंजाब के सीएम चन्नी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनका गुरु पर्व मनाया जाएगा। विरासत ए खालसा में शहीदी गुरु पर्व मनाया जाएगा, जानकारी मिल रही है। 11:30 बजे ये पूरा कार्यक्रम होना है, आनंदपुर साहिब पहुंचेंगे सीएम चन्नी, जानकारी मिल रही है। और इस दौरान शहीदी गुरु पर्व के मौके पर जो कार्यक्रम आयोजित होगा वहां शामिल होंगे सीएम चन्नी। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।